देवी और सज्जनों, स्वागत है मेजर एक्स के ट्रिब्यूट शो में। अब रिंग की तरफ बढ़ रहे हैं शेन दी इनसेन। शेन का प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा है रेस स्क्वायर में, वो रह चुके हैं हमारे टैग टीम चैंपियन, वन हाफ ऑफ टीम फतेह, और वो हमारी कंपनी के वेटरन रेसलर हैं। बहुत ही उम्दा टेक्निकल रेसलिंग के सरताज, और वो अपनी शक्ति का बहुत ही भरपूर प्रदर्शन कर रहे हैं रिंग में, और आज देखना होगा कि किस प्रकार वो अपनी ट्रिब्यूट देते हैं मेजर एक्स को। जैसे कि आप चैंट से समझ ही गए होंगे कि हमारा रसल स्क्वायर का क्राउड, हमारी ऑडियंस कितनी पसंद करती है उन आदमी को जो रिंग में बढ़ चुके हैं। उनका नाम है मिस्टर फ्रीक, और अब रिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और रिटर्न कर रहे हैं द हार्ट एंड सोल जोरो। जोरो आखिरी बार हमने देखा था बैंकॉक शोडाउन में, जब वो होल्ड कर रहे थे रसल स्क्वायर की इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, और वो हारे थे हमारे चैंपियन ऑफ इंडिया और हमारे लिमिट ब्रेकर स्काइलर के खिलाफ। और हमें देखना होगा कि क्या स्काइलर का भूत अभी भी जोरो के दिमाग में घूम रहा है या नहीं। जोरो आज मेजर एक्स के ट्रिब्यूट शो में वापसी करते हुए, आज का मैच है ट्रिपल थ्रेट मैच, जोरो वर्सेस मिस्टर फ्रीक वर्सेस शेन दी इनसेन। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? क्या मिस्टर फ्रीक, जिनको मेंटरशिप मिली है हमारे जनरल मैनेजर एबी मेनिया की, क्या जोरो रिंग रस्ट का साइन शो करेंगे या हमारे वेटरन शेन दी इनसेन अपनी डोमिनेंस दिखाएंगे? ओ बहुत ही शानदार शोल्डर टैकल, और जोरो रिंग के बीचों बीच नीचे जाते हुए, ओह बहुत ही शानदार टेक्निकल रेसलिंग का प्रदर्शन। लेकिन नहीं, जोरो वापस आते हुए आम बार में, लेकिन नहीं रोप ब्रेक। जोरो में बहुत भूख है रिंग में वापस आने की। शेन द इनसेन और जोरो पहले बहुत बार लड़ चुके हो, हिप टॉस और बाहर जाते हुए मिस्टर फ्रीक, और अब जोरो और शेन द इनसेन अपनी पुरानी ओ दुश्मनी वापस लेते हुए। ओ मिस्टर फ्रीक अल्टीमेट अपॉर्चुनिस्ट बनते हुए आयरिश व्हिप, और अब मिस्टर फ्रीक ओहो बैक प्रेस हुक ऑफ द लेग, सिर्फ एक काउंट। मिस्टर फ्रीक
बहुत कुछ सीखा है अपनी मेंटोरशिप से, हमारे जनरल मैनेजर एबिमेनियक से, कि कैसे अपॉर्चुनिस्ट बनना चाहिए ट्रिपल थ्रेड मैच की सिचुएशन में। लेकिन इस समय एडवांटेज शेन अपनी टेक्निकल रेसलिंग और शक्ति का पूरा प्रदर्शन लेते हैं। फ्लैप जैक, हुक ऑफ द लेग, जोरो, काउंट ब्रेक करते हुए स्टैंडिंग ड्रॉप किक सीधा छाती पर। जोरो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि रिंग के बाहर थे, बिल्कुल घर लगता हुआ जोरो का। जोरो रिंग की तरफ बताओ, लेकिन नहीं हो, उठा लिया है। ओ मेरी गो राउंड, साइड वॉक स्लैम, क्राउड ना खुश, बू करते हुए। जोरो को चीयर करते हुए, लेकिन मिस्टर फ्रीक ने इस समय कंट्रोल ले लिया है मैच का। मिस्टर फ्रीक लेकिन नहीं, स्नैप सुप्लेक्स सिग्नेचर जोरो। जोरो अभी भी फेवर करते हुए अपनी छाती को, जो सारा अटैक किया है शेन ने और मिस्टर फ्रीक ने, उसको फेवर करते हुए। जोरो बैक जादो, रनिंग अपर कट कॉर्नर में, एडवांटेज मिस्टर फ्रीक। ओ और जर्मन सुप्लेक्स, लेकिन नहीं, शेन सेकंड सुप्लेक्स, क्या ट्राइफेक्टा हो जाएगा? नहीं, रनिंग बेसमेंट ड्रॉप किक। जोरो ओ बो, जोरो क्या सोच रहे हो, फिगर फोर और आर्म्स को भी लॉक कर रखा है। शेन के पास कोई चारा ही नहीं है, कहां जाए, कैसे रोप को पकड़े, तो टैप करना होगा। लेकिन ओ रनिंग बेसमेंट ड्रॉप किक मिस्टर फ्रीक के द्वारा, सबमिशन ब्रेक करने की पूरी सफलता लेते हुए मिस्टर फ्रीक, और मैच को बचाते हुए अपने लिए इस समय दो तीनों ही लोग हैं मैट के ऊपर। कौन जीतेगा? क्या शेन अपनी डोमिनेशन बरकरार रखेंगे? क्या मिस्टर फ्रीक अपनी पहली जीत दर्ज करेंगे और एबिमिनिया को खुश करेंगे, या जोरो अपने पहले मैच में वापसी में जीत हासिल करेंगे? कौन जीतेगा आज का ये बहुत ही शानदार मैच? मिस्टर फ्रीक चढ़ चुके हैं टॉप रोप पे, नहीं सेकंड रोप पे, लगता है जोरो एप्रिन पे खड़े हुए हैं और अब टॉप रोप पे चढ़ रहे हैं, बहुत ही डेंजरस पोजीशन। जोरो नहीं, मिस करते हुए सेंट एंटोनियो, मिस करते हुए, और इस समय तीनों ही लोगों के दिमाग के पहिए चलते हुए, शेन द इंसेंट टॉप रोप, क्या सोच रहे हैं? मून सॉल्ट प्रेस मिस करते हुए, और मिस्टर फ्रीक मॉक करते हुए। ऑडियंस बहुत ही प्यार करते हुए मिस्टर फ्रीक को। ओ लेग ड्रॉप, लेग ड्रॉप, कवर, हुक ऑफ द फार लेग, सिर्फ दो, सिर्फ दो, सिर्फ दो,
दिमाग के पहिए चलते हुए मिस्टर फ्रीक अब अपनी ध्यान जोरों पर लगाते हुए, जोरों जिन पर भूत सवार है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप वापस लेने का, हमारे चैंपियन ऑफ इंडिया स्काइलर से लेकिन अभी वो डेथ वैली ड्राइवर मिस्टर फ्रीक लैटरल प्रेस सिर्फ दो। मुझे तो ये लग रहा है ये आज तक की सबसे बेस्ट शोइंग है मिस्टर फ्रीक की, लेकिन उसको चेंज करना होगा एक जीत में। क्या वो जीतेंगे? हमारे वेटरन जोरो और शेन के खिलाफ फुल नेल्सन, फुल मेजर एक्स का फुल नेल्सन TKO, बोथ द लेग्स हुक एंड थ्री, इट इज ओवर। आज के विजेता शेन द इनसेन। जोरो बहुत ही करीब आ गए, लेकिन शेन अपनी डोमिनेंस कंटिन्यू करते हुए, मिस्टर फ्रीक का बहुत ही शानदार प्रदर्शन, लेकिन शेन को कोई नहीं रोक सकता। कौन रोकेगा शेन द इनसेन को? इंसैनिटी कंटिन्यूज इन रसल स्क्वायर।